वेलकम टू माय चैनल लाइफ क्रॉनिकल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है कुछ पेन ड्राइव्स में कि 4 GB से ज़्यादा की फाइल मूवी फाइल कॉपी नहीं हो पाती और एक एरर आ जाता है, तो जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरे पास एक फाइल है और ये हमारी 4.68 GB की, ठीक है। तो इसे मैं पेन ड्राइव में कॉपी करता हूँ। ये मैंने करा कॉपी और यहाँ जाके मैं कर रहा हूँ पेस्ट। तो आप देखोगे एक एरर मैसेज आ गया है, द फाइल इज़ टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम, और ये कॉपी नहीं कर रहा। सो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, तो आपको क्लिक करना है अपना USB जो पेन ड्राइव आपकी लगी हुई है कनेक्टेड है कंप्यूटर से, उस पर राइट क्लिक करिए। अगर विंडोज़ 11 है तो यहीं पे ऑप्शन आ रहा है आपका फॉर्मेट का। अगर आपकी विंडोज़ 7 या 10 है तो ऐसा ऑप्शन आएगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो इसमें जाके आपको करना है फॉर्मेट पे क्लिक, तो एक बॉक्स खुल जाएगा, वो आपको दिखा रहा है आपकी पेन ड्राइव की कैपेसिटी और फाइल सिस्टम। तो ये जो FAT32 फाइल सिस्टम है ये 4 GB से ज़्यादा बड़ी फाइल अलाउ नहीं करता। तो अगर आप मूवी डाल रहे हो पेन ड्राइव में या कोई बड़ी फाइल वीडियो फाइल या कोई और भी फाइल है ISO इमेज हो गई किसी DVD की, तो वो आपको डालने में प्रॉब्लम आएगी, वो कॉपी ही नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल सिस्टम पे सिलेक्ट करके आपको NTFS पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और क्विक फॉर्मेट पे चेकबॉक्स क्लिक हो ऐसे और स्टार्ट करके ओके। तो थोड़ी देर में आपका ये पेन ड्राइव फॉर्मेट होके NTFS में चेंज हो जाएगी। सो हमारी पेन ड्राइव हो गई है फॉर्मेट और फॉर्मेट कंप्लीट, ओके पे क्लिक करिए। इसे क्लोज करते हैं और अब हम कॉपी करके देखते हैं अपनी फाइल जो 4.68 GB की है। तो ये करा हमने कॉपी और अब करा हमने पेन ड्राइव में पेस्ट। तो आप देखोगे पेस्टिंग चालू हो गई है। तो आई होप आपकी क्वेरी और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो इस वीडियो से। तो एक और सिस्टम मैं दिखा देता हूँ, इसे अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो अगर आप फॉर्मेट पे जाते हो तो NTFS के अलावा आपके पास EXFAT का भी ऑप्शन आ रहा है। तो EXFAT ये 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम। तो हम इस पे अगर स्टार्ट करके इसे EXFAT में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेट मैंने कर दिया है, फाइल सिस्टम मैंने EXFAT पे चेंज कर दिया है। तो जब आप EXFAT पे करोगे और पेस्ट करोगे तब भी आपकी 4 GB प्लस फाइल कॉपी हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव में। सो इसका बेनिफिट ये होगा कि कुछ मोबाइल्स में फैट सिस्टम चलता है या किसी TV में अगर आप USB लगा के देख रहे हो, NTFS नहीं सपोर्ट करता आपका। पहले तो आप NTFS में कन्वर्ट करके फाइल कॉपी करके लगा के देखना जहाँ भी आपको सिस्टम में चाहिए या TV में चाहिए। कंप्यूटर या किसी में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कंप्यूटर लैपटॉप में, बट अगर आप मोबाइल या TV में लगा रहे हो और वहाँ एरर आ रहा है तब आप क्या करना, इसे EXFAT में चेंज कर लेना, ठीक है। और फिर आप कॉपी करोगे तो आपकी फाइल भी कॉपी हो जाएगी और ये भी एक सब सिस्टम हो गया आपका फैट का, EXFAT। तो होपफुली इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप TV में लगाओ मोबाइल में लगाओ पेन ड्राइव आपकी, सो वो वहाँ पे भी रीड आराम से हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।